सरकारी एग्जाम में फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें एवं उनके लेखक। फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स बहुत ज्यादा एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सीडीएस ले लो चाहे यूपीएससी के जितने भी एग्जाम ले लो, उसमें कंपल्सरी ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है फ्रेंड्स। जितने भी एंशियंट बुक्स हैं फ्रेंड्स, उसके बारे में कंपल्सरी पूछा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे हमने कुछ ओवरव्यू दिया है, जैसे कि मिग्रेनी, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, पैराडाइज लॉस्ट, एशियन ड्रामा, अगेंस्ट द स्ट्रीम, अ पैसेज टू इंडिया, वार एंड पीस, चिदंबरा। फ्रेंड्स क्वेश्चन ये है कि इसके लेखक कौन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब सारी जितने भी इम्पोर्टेंट और रोचक किताबें हैं, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं वो तो आप पढ़ सकते हैं। चाहेंगे तो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं या तो ऑनलाइन में भी पढ़ सकते हैं इन बुकों को आप, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ये नहीं पूछता है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एग्जाम में ये पूछता है कि इसके लेखक, इसको लिखा कौन है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो हम उसी को डिस्कस करेंगे आपसे और अच्छे से समझेंगे फ्रेंड्स। चलिए डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा चैनल है इजी सरकारी एग्जाम। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक जो है बुक की। फ्रेंड्स है क्या पहला, अनहैप्पी इंडिया, ठीक है। अनहैप्पी इंडिया से क्या होता है फ्रेंड्स, लाला लाजपत राय इन्हीं के ऊपर ही लाठियों से प्रहार किया गया था फ्रेंड्स। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है, लाला लाजपत राय। नेशन इन द मेकिंग, इसके लेखक कौन है फ्रेंड, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडिया डिवाइडेड, इंडिया को डिवाइड किया गया था, ठीक है। किसने लिखा है, राजेंद्र प्रसाद। हिंद स्वराज किसने लिखा है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये भी किसने लिखा है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने लिखा है। प्रिजन डायरी, प्रिजन डायरी किसने लिखा है फ्रेंड्स, जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। मदर इंडिया फ्रेंड्स, ये इस पर मूवी भी बनी हुई है, आपको पता होगा, कैथरीन मेयो ने लिखी थी। संघर्ष की ओर, जयप्रकाश नारायण। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं, ठीक है फ्रेंड्स। इनको तो आपको पता होगा फेमस पर्सनालिटी है सरदार भगत सिंह, ठीक है। गोल्डन थ्रेश होल्ड किसने लिखा है फ्रेंड्स, सरोजनी नायडू जी ने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स इनको भारत की कोकिला भी कहते हैं, सरोजनी नायडू को, ठीक है। और पहली भारतीय महिला राज्यपाल भी रही थी सरोजनी नायडू, ठीक है। तो ये सब जानकारी इनके बारे में थी। देखिए फ्रेंड्स मीन कैंप, मीन कैंप के बारे में फ्रेंड्स कौन लिखा है, एडोल्फ हिटलर ने लिखा हुआ है, ठीक है। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स की बात करें फ्रेंड्स तो किसने लिखा है, अरस्तु, ठीक है, जिन्हें चाय में जहर मिला के मार दिया गया था फ्रेंड्स। आपने इनकी हिस्ट्री पढ़ी होगी जब आप क्लास इलेवेंथ और फ्रेंड्स क्लास टेंथ में फ्रेंड्स इनकी स्टोरी है, आप पढ़ सकते हैं उसमें। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा था, रूसो ने लिखा था। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने लिखा हुआ है। पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन। एशियन ड्रामा अगेंस्ट द स्ट्रीम गुन्नार मिडल ने लिखा था, गुन्नार मिडल। अ पैसेज टू इंडिया ई एम फोस्टर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं वार एंड पीस, मतलब किसका है फ्रेंड्स, लियो टॉलस्टॉय का है, ठीक है फ्रेंड्स। हैमल्ट आथलो एस यू लाइक इट, ठीक है फ्रेंड्स। हैमलेट आथलो एस यू लाइक इट फ्रेंड्स, ठीक है। ये फ्रेंड्स शेक्सपियर, ये तो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं और अच्छे पोएट भी रहे हैं फ्रेंड्स और अभी भी हैं। इनकी बहुत सारी, जैसे आप देख सकते हैं क्लास इलेवेंथ और ट्वेल्थ में इनकी जो एक पोएट्री की बुक्स में जो पोएम है मर्सी, द मर्सी फ्रेंड्स इन्हीं की है। काफी अच्छे चीजों को उन्होंने एक्सप्रेस किया ह्यूमन की ह्यूमिनिटी को। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा है फ्रेंड्स, अबुल कलाम आजाद ने लिखा है। ये एक इन्हें साइंटिस्ट क्या बोलते हैं इनको, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इनको। गीता रहस्य, बाल गंगा धर तिलक, लाल बाल पाल। फ्रेंड्स आपको याद है कि उदारवादी नेता और बोले तो उस टाइप के नेता, क्या बोलते हैं कि उदारवादी नेता थे और एक फ्रेंड्स उस टाइप के नेता थे ना, क्या बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा फाइटिंग के थ्रू
एक बोले तो अपनी विचारधारा प्रेम पूर्वक प्रस्तुत करते थे अंग्रेजों के सामने, और एक बोले तो फाइटिंग के चरण वर्मा इसके राइट आंसर है। लज्जा नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है फ्रेंड, देखते हैं। लज्जा, तो लज्जा किसको होती है फ्रेंड्स, औरतों को होती है, तो लिखे कौन, औरत ही लिखेगी। और लज्जा एक उर्दू शब्द है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रेमचंद, तस्लीमा नरसिंह, महादेवी वर्मा एंड सूरदास। तो करेक्ट आंसर क्या है फ्रेंड, तस्लीमा नरसिंह इसके राइट आंसर है। हिंदी की महान रचना नीरजा के रचयिता कौन है, हिंदी की महान रचना नीरजा की बात की फ्रेंड्स, ठीक है। तो भगवती चरण वर्मा, कनिष्क, विष्णुगुप्त और महादेवी वर्मा। तो राइट आंसर क्या है, महादेवी वर्मा। रिपब्लिक के लेखक कौन है, रिपब्लिक के लेखक देखते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्लेटो, अरस्तु या कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, प्लेटो। रिपब्लिक के लेखक कौन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है फ्रेंड्स, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन, सरोजिनी नायडू, रूसो, स्वामी शिवानंद। तो राइट आंसर क्या है फ्रेंड, रूसो इसके राइट आंसर है। हेमलेट, ऑथेलो, एस यू लाइक इट के लेखक कौन है फ्रेंड्स, ऑलरेडी हमने लिखा हुआ था इसका, ठीक है। एस यू लाइक इट के लेखक कौन है फ्रेंड्स, तो हमने बताया था कि जॉन मिल्टन, शेक्सपियर, ई एम फोस्टर, कौन है राइट आंसर क्या है, शेक्सपियर का हमने डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशन के राइटर कौन है, जवाहरलाल नेहरू, न्यूटन, स्वामी शिवानंद, एडम स्मिथ। तो राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, एडम स्मिथ इसके राइट आंसर है। अ पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है फ्रेंड्स, अ पैसेज टू इंडिया की बात की गई है, ठीक है। ई एम फोस्टर, जॉन मिल्टन, न्यूटन, महात्मा गांधी। अ पैसेज टू इंडिया फ्रेंड लिखा गया है ई एम फोस्टर के थ्रू लिखा गया है फ्रेंड्स, ठीक है। यंग इंडिया, तो यंग इंडिया की बात किसने की थी फ्रेंड्स, देखते हैं ऑप्शन, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, ये आपने बताया था कि उग्रवादी किस्म के नेचर नेचर था इनका, मतलब कहीं भी जाके दंगा फसाद करने में बहुत तेज थे फ्रेंड्स, ठीक है। और महात्मा गांधी इसके लेखक हैं, लिखा गया है यंग इंडिया, ठीक है। मेन कैंप लिखा गया है, तो मेन कैंप हमने बताया था कि फ्रेंड सिकंदर, हिटलर, प्लूटो, अरस्तु। तो फ्रेंड्स मेन कैंप आपने पता ही होगा कि ये हिटलर के द्वारा ही लिखा गया था, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा तानाशाह था। डिवाइन लाइफ किसके द्वारा लिखा गया, डिवाइन लाइफ, सरोजिनी नायडू, स्वामी शिवानंद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अरस्तु। राइट आंसर क्या है फ्रेंड, स्वामी शिवानंद। क्वेश्चन नंबर 20, गोल्डन थ्रेशोल्ड किसके द्वारा लिखा गया, गोल्डन थ्रेशोल्ड देखते हैं ऑप्शन, सरोजिनी नायडू, एडोल्फ हिटलर, लियो टॉलस्टॉय, कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, सरोजिनी नायडू। तो फ्रेंड्स ये हमारे टोटल इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन भी थे, और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक भी हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, ठीक है। टोटल हमने अराउंड 30-40 अप्रॉक्सिमेट हमने डिस्कस किए हैं बुक्स और उसके राइटर। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, ठीक है। जल्दी मिलेंगे आपको अच्छे और एक नए वीडियो के साथ, और एक नए बुक्स और ऑथर के साथ फ्रेंड्स। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए और शेयर करते रहिए फ्रेंड्स, थैंक यू। भगवती चरण वर्मा इसके राइट आंसर है। लज्जा नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है फ्रेंड, देखते हैं। लज्जा, तो लज्जा किसको होती है फ्रेंड्स, औरतों को होती है, तो लिखे कौन, औरत ही लिखेगी। और लज्जा एक उर्दू शब्द है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रेमचंद, तस्लीमा नरसिंह, महादेवी वर्मा एंड सूरदास। तो करेक्ट आंसर क्या है फ्रेंड, तस्लीमा नरसिंह इसके राइट आंसर है। हिंदी की महान रचना नीरजा के रचयिता कौन है, हिंदी की महान रचना नीरजा की बात की फ्रेंड्स, ठीक है। तो भगवती चरण वर्मा, कनिष्क, विष्णुगुप्त और महादेवी वर्मा। तो राइट आंसर क्या है, महादेवी वर्मा। रिपब्लिक के लेखक कौन है, रिपब्लिक के लेखक देखते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्लेटो, अरस्तु या कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, प्लेटो। रिपब्लिक के लेखक कौन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है फ्रेंड्स, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन, सरोजिनी नायडू, रूसो, स्वामी शिवानंद। तो राइट आंसर क्या है फ्रेंड, रूसो इसके राइट आंसर है। हेमलेट, ऑथेलो, एस यू लाइक इट के लेखक कौन है फ्रेंड्स, ऑलरेडी हमने लिखा हुआ था इसका, ठीक है। एस यू लाइक इट के लेखक कौन है फ्रेंड्स, तो हमने बताया था कि जॉन मिल्टन, शेक्सपियर, ई एम फोस्टर, कौन है राइट आंसर क्या है, शेक्सपियर का हमने डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशन के राइटर कौन है, जवाहरलाल नेहरू, न्यूटन, स्वामी शिवानंद, एडम स्मिथ। तो राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, एडम स्मिथ इसके राइट आंसर है। अ पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है फ्रेंड्स, अ पैसेज टू इंडिया की बात की गई है, ठीक है। ई एम फोस्टर, जॉन मिल्टन, न्यूटन, महात्मा गांधी। अ पैसेज टू इंडिया फ्रेंड लिखा गया है ई एम फोस्टर के थ्रू लिखा गया है फ्रेंड्स, ठीक है। यंग इंडिया, तो यंग इंडिया की बात किसने की थी फ्रेंड्स, देखते हैं ऑप्शन, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय।
फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, आपने बताया था कि उग्रवादी किस्म के नेचर था इनका, मतलब कहीं भी जाके दंगा फसाद करने में बहुत तेज थे फ्रेंड्स, ठीक है। और महात्मा गांधी इसके लेखक हैं, लिखा गया है यंग इंडिया, ठीक है। मेन कैंप लिखा गया है, तो मेन कैंप हमने बताया था कि फ्रेंड्स सिकंदर, हिटलर, प्लूटो, अरस्तु। तो फ्रेंड्स मेन कैंप आपने पता ही होगा कि ये हिटलर के द्वारा ही लिखा गया था, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा तानाशाह था। डिवाइन लाइफ किसके द्वारा लिखा गया? डिवाइन लाइफ सरोजिनी नायडू, स्वामी शिवानंद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अरस्तु। राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? स्वामी शिवानंद। क्वेश्चन नंबर 20, गोल्डन थ्रेशोल्ड किसके द्वारा लिखा गया? गोल्डन थ्रेशोल्ड, देखते हैं ऑप्शन, सरोजिनी नायडू, एडोल्फ हिटलर, लियो टॉलस्टॉय, कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? सरोजिनी नायडू। तो फ्रेंड्स ये हमारे टोटल इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन भी थे और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक भी हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, ठीक है। टोटल हमने अराउंड 30-40 अप्रोक्सीमेट हमने डिस्कस किए हैं बुक्स और उसके राइटर। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, ठीक है। जल्दी मिलेंगे आपको अच्छे और एक नए वीडियो के साथ और एक नए बुक्स और ऑथर के साथ फ्रेंड्स। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए और शेयर करते रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू।